नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स पर। अगर आप भी रोहित शर्मा को सबसे बेहतरीन कप्तान मानते हैं वर्ल्ड का, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारतीय टीम ने श्रीलंका को दूसरा टी20 मुकाबला 7 विकेट से हरा दिया, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया था मैच में जब लग रहा था कि टीम इंडिया मैच हार चुकी है। दरअसल दोस्तों, 60 गेंदों में यानी कि आखिरी 10 ओवर में 104 रन की आवश्यकता थी और टीम इंडिया बहुत ज़्यादा मुसीबतों में फंस चुकी थी क्योंकि एक्सपीरियंस बल्लेबाज मैदान पर मौजूद नहीं थे। श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन ने मोर्चा संभाल रखा था। ईशान किशन की जोरदार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई गेंद सीधा कानपट्टी पर लगी थी, जिसकी वजह से उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और लहिरू कुमारा के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए थे। 15 गेंदों में 16 रन बनाकर ईशान किशन आउट हुए, तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर। मैच फंस चुका था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रोहित शर्मा की कप्तानी में जीत का सिलसिला जारी रहेगा, कौन कप्तान रोहित शर्मा को यह मैच जिता कर देगा, कौन उनके रिकॉर्ड की छड़ी को लगातार जारी रखेगा। लेकिन तभी श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन ने इस मुकाबले में जिम्मेदारी ली और मुकाबले को आगे बढ़ाना शुरू किया। शुरुआती 6-7 ओवर इन्होंने धीमी गति से बल्लेबाजी करी, सिंगल डबल के साथ साथ बीच में चौके भी चुराते रहे, लेकिन उसके बाद जो इस तरह इन दोनों बल्लेबाजों ने गियर चेंज किया है, खासकर संजू सैमसन ने तो लहिरू कुमारा की तो मतलब कह सकते हैं वाट लगा कर रख दी इस मुकाबले में। और उन्होंने वो जो बेहतरीन ओवर था जिसमें 23 रन बटोरे थे, वो कोई नहीं भूल सकता। पहली गेंद पर दोस्तों थर्ड मैन की दिशा में खड़े वेरोना फर्नांडो ने दोस्तों चौका छोड़ दिया था। बड़ा आसान सी वो फील्डिंग थी, लेकिन मिसफील्ड करी, लेकिन उसके बाद संजू सैमसन ने बैक टू बैक छक्के लगाने शुरू कर दिए और उस ओवर में 23 रन बटोरे। लेकिन उसी ओवर की आखिरी गेंद पर वेरोना फर्नांडो ही दोस्तों संजू सैमसन का उड़ता कैच पकड़ते हैं। लास्ट में 10 ओवर में 60 रन की आवश्यकता थी, लेकिन तब दोस्तों हम देख सकते हैं किस तरीके से जब संजू सैमसन का विकेट गिरता तो टीम का स्कोर 128 रन पहुंच चुका था, यानी कि इस बल्लेबाज ने करीब करीब 48 रन 3 ओवर के अंदर बटोर लिए थे। 18 गेंदों के अंदर 48 रन बटोरना कोई इनसे सीखे। इसके बाद बचे लगभग 7 ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए क्या ही रनों की आवश्यकता थी। यहाँ से आप देख ही सकते हैं किस तरीके से जब टीम इंडिया को 184 चेस करना था, 128 बन चुके थे, 56 रन बनाने थे लास्ट के 7 ओवरों में। तो टीम इंडिया के सामने बल्लेबाजी करने के लिए आए फिर रविंद्र जडेजा को दोस्तों आप जानते ही हैं कितने खतरनाक श्रेणी के बल्लेबाज हैं। और दूसरी छोर से श्रेयस अय्यर भी बहुत लंबे छक्के लगा रहे थे, लेकिन एक छक्का इनका गया था सबसे कम, यानी कि 56 मीटर का छक्का। मतलब वो छक्का था कि चौका कुछ समझ नहीं आया इतना, तो थर्ड मैन या फिर 30 गज के दायरे के अंदर गेंद जाती तब भी रन नहीं आते, लेकिन वो छक्का था दोस्तों। 44 गेंदों में 74 रन की नाबाद पारी खेली श्रेयस अय्यर ने। 6 चौके 4 छक्के की मदद से दूसरा बैक टू बैक इनका 50 था। पिछले मुकाबले में भी 57 रन की पारी 28 गेंदों में खेली थी और इस मुकाबले में भी रविंद्र जडेजा ने तो उनका पूरा साथ दिया। हुआ क्या था दोस्तों, इस मुकाबले में जब यहां पर 128 रन पर विकेट गिरा और 58 रन की पार्टनरशिप रविंद्र जडेजा और श्रेयस अय्यर के बीच हुई, तो 45 रन तो रविंद्र जडेजा ने बनाए। 18 गेंदों में 45 रन रविंद्र जडेजा ने 7 चौके 1 छक्के की मदद से बनाए, लेकिन 74 रन बनाए श्रेयस अय्यर ने। लेकिन इस पारी की खासियत ये थी कि पिछली बार हुआ ये था दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 44 रन की पार्टनरशिप करीब हुई थी, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 रन बनाए थे रविंद्र जडेजा ने। और इस बार की बात करें तो 10-15 रन बना पाए श्रेयस अय्यर और दूसरे छोर से मैच खड़े होकर देखते रहे। लेकिन जब टीम इंडिया चेस कर रही थी तो सब इनके आगे फीके पड़ते नजर आए और चेस मास्टर विराट कोहली के ना रहते हुए भी नंबर 3 पर आए श्रेयस अय्यर में। मतलब ऐसा लग रहा था विराट कोहली की आत्मा आ गई हो और जिस तरीके से फ्लिक शॉट और एकदम लेजेंडरी क्रिकेटिंग शॉट लगा रहे थे वो देखकर दिल खुश हो गया। तो बचे जो लास्ट के 10 ओवर थे दोस्तों, उसमें हमको 7 ओवर का रोमांच देखने को मिला क्योंकि टीम इंडिया 3 ओवर पहले मैच जीत गई। 17 गेंद पहले मैच जीत जाना 7 विकेट से, मतलब 184 आप चेस कर रहे हो उसमें भी आप 17 गेंद पहले मैच जीत रहे हो, तो क्या ही दोस्तों कई शब्द यहाँ पर कम पड़ते हैं भारतीय टीम की इस जीत के लिए। भारतीय टीम ने ये मुकाबला कह सकते हैं छीना है, क्योंकि लास्ट के 10 ओवर में 104 रन की आपको आवश्यकता हो, आपके पास 4 प्रॉपर बल्लेबाज है और 4 ऑलराउंडर हैं, तो आपके हाथ में मैच था। श्रीलंका से हम ये कहना चाहेंगे कि आपने गलती कर दी है मैच छोड़कर और टीम इंडिया को जीतना ही तय था। अब आखिरी टी20 दोस्तों 28 तारीख को धर्मशाला के मैदान पर ही होना है। धर्मशाला के मैदान पर ही सेकेंड टी20 हुआ था, बदलावों के साथ टीम इंडिया उतरेगी, कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ही ऐलान कर दिया है। लेकिन ये लास्ट के 10 ओवर का रोमांच उम्मीद करते पसंद आया होगा, क्योंकि वेरोना फर्नांडो की वो कैच, श्रेयस अय्यर का 56 मीटर का छक्का, रविंद्र जडेजा के 7 चौके और 1 छक्का, मतलब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी थी भारतीय टीम की और टीम इंडिया ये मुकाबला जीतने में कामयाब रही और भारतीय टीम का जीत का सिलसिला लगातार जारी है दोस्तों।
आपको बताया इस मुकाबले में कि क्या बड़े रिकॉर्ड्स बने ये भी जान लीजिए। और इसके बाद ईशान किशन को लेकर एक बुरी अपडेट आई है, वो भी आपको देते हैं। दरअसल दोस्तों, इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने एक बड़ा इतिहास रच दिया। 50 T20 कैच पूरे हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा कैच इन्होंने पकड़े हैं। विराट कोहली ने करीब 43, तो वहीं सुरेश रैना और बाकी खिलाड़ी इनसे पीछे आते हैं। रोहित शर्मा का ये 124वां मैच था। वहीं शोएब मलिक, जो पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनका भी इतना ही मुकाबला है, लेकिन इंटरनेशनल करियर के दौरान ये सबसे ज़्यादा मुकाबला खेलने का एक बड़ा रिकॉर्ड है। प्रथम निशांका ने 500 T20 इंटरनेशनल रन भी पूरे कर लिए। श्रीलंका के बल्लेबाज का ये 50 चौके पूरे हो चुके T20 इंटरनेशनल में। और रोहित शर्मा ने तो दोस्तों बतौर कप्तान घरेलू मैदानों पर 16वां T20 इंटरनेशनल मैच जीता। वो अब इयान मॉर्गन और कैन विलियमसन को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। इस मैच को जीतकर भारतीय टीम ने लगातार 11वां T20 मैच जीता है, जिसके साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान और युगांडा की बराबरी कर ली है। भारतीय टीम ने श्रीलंका को 16वां T20 मैच हराया है। इसके साथ ही भारतीय टीम ने पाकिस्तान की बराबरी कर ली, जिन्होंने 16 बार जिम्बाब्वे को हराया है। अब तक इन दोनों टीमों के बीच 24 T20 मैच हुए जिसमें 16 बार भारतीय टीम ने जीता, तो वहीं 7 मैचों में श्रीलंका ने जीता, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा। बतौर पूर्णकालिक कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा ने लगातार अपना 8वां T20 मैच जीता है और अभी तक इस बीच वो एक भी मैच नहीं हारे हैं। बल्कि दोस्तों 8वां नहीं कहेंगे, हम कहेंगे लगातार उनका, हाँ बिल्कुल 8वां ही मैच है दोस्तों, क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान उन्होंने तीनों मुकाबले जीते थे, वेस्ट इंडीज़ को 3 मुकाबले हराए, यानी कि 6 मुकाबले वो होगा, और श्रीलंका को 2 मुकाबले लगातार हरा दिए हैं। भारतीय टीम ने घर में अब लगातार 7वीं T20 सीरीज जीत ली है और भारत घर में शेर है। लेकिन विदेशी मैदान पर क्या, जब साउथ अफ्रीका के मैदान पर ओडीआई सीरीज हार कर आई थी तो वो भी अपने आप में एक दिलचस्प किस्सा रहा था, लेकिन वहाँ पर जब ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम जाएगी तो वहाँ क्या हश्र होगा भारतीय टीम का, वो देखना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो ये तो दोस्तों आखिरी 10 ओवर का पूरा हाईलाइट, किस तरीके से 60 गेंदों में जब 104 रन की आवश्यकता थी तो उसमें एक ही विकेट खोया और भारतीय टीम मुकाबला जीत गई थी। शुरुआती 10 ओवर में टीम इंडिया ने 80 रन बनाए थे और 2 विकेट खोई थी। अब ईशान किशन से रिलेटेड जो बुरी खबर सामने आई दोस्तों, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, ईशान किशन के लहिरु कुमारा की एक जो चौथे ओवर में डाली गई बाउंसर गेंद थी, वो सीधा हेलमेट की कान के पास लगी पट्टी पर आकर लगी और वो बड़ी तेज़ गेंद आकर लगी थी, जिसकी वजह से वो मतलब वहाँ पर उनको काफ़ी इंजरी भी हुई थी, काफ़ी देर के लिए मैच भी रोका गया था कुछ देर के लिए। फिजियो मैदान पर आए श्रीलंका के खिलाड़ी और जो भारतीय बल्लेबाज वहाँ मौजूद था उनका हाल लेने के लिए पहुँचा, लेकिन ईशान किशन अपने पैरों पर खड़े हुए और फिर बल्लेबाजी करना शुरू किया, लेकिन लहिरु कुमारा ने उनको बहुत जल्दी फिर आउट करके चलता भी कर दिया। लेकिन वो जो गेंद थी ना दोस्तों, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। दरअसल ईशान किशन को, आपको बता दें, ईशान किशन को कांगड़ा के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उनके अस्पताल में भर्ती होने की वजह भी मैच से ही जुड़ी है। वो गेंद जो तेज़ गति से आके लगी थी, उसकी स्पीड थी 146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। तो आप समझ सकते हैं कि ईशान किशन कितना दर्द में रहे होंगे, लेकिन फिर भी मर्द बन के इस खिलाड़ी ने मैदान पर खड़े रहकर सामने किया श्रीलंकाई गेंदबाजों का। और पता था ईशान किशन को कि उनकी अहमियत कितनी बड़ी है। पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे थे, 89 रन की पारी खेली थी, आज भी बहुत अच्छा मौका था हीरो बनने का, लेकिन जो गेंद आके लगी ना उसके बाद तो उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा चुका था, फिर क्या ही करते। तो ये मुकाबला दोस्तों टीम इंडिया 7 विकेट से जीत चुकी है। 28 तारीख को तीसरा T20 काफ़ी बदलावों के साथ भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी। लेकिन एक बार फिर से, अगर आप रोहित को वर्ल्ड का बेस्ट कप्तान मानते हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।